नमस्कार, मैं वंश शर्मा। तो देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और उनके समक्ष थे आज एसबीआई द्वारा वकील जो थे जिनका नाम था हरीश सालवे। और मामला था पूरा इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर, यानी चुनावी चंदे को लेकर, जिसके तहत जो है एसबीआई को जानकारी देनी थी कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला है, जो कि दिया गया है बड़े बड़े उद्योगपति द्वारा या फिर कॉमन मैन जिसने भी दिया है, और वो कितना चंदा जो है किस पार्टी को मिला है चुनाव के लिए। ये सब के रिकॉर्ड जो था अभी तक का जो एसबीआई ने पेश नहीं करा था सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ यानी सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी तक का पेश नहीं करा था, जिसके बाद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी कहते हैं 30 जून तक का समय मांगने पर शीर्ष न्यायालय ने एसबीआई को फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि बीते 26 दिनों में आपने क्या कदम उठाए हैं, यानी कि उन्होंने कहा कि पूरे पिछले लगभग 26 दिन हो चुके हैं इस बात को कहे हुए, जब सीजीआई ने पहले मामला पहुंचा था कोर्ट तक का, तो लगभग 26 दिन अब पूरे हो गए हैं, अभी तक का कोई इन्फॉर्मेशन जो है मतलब उनको सीजीआई के समक्ष अभी तक का कोई पेश नहीं हुई थी। तो आप ये देख सकते हैं इस पर एक्टर प्रकाश राज कुछ ऐसा लिखते हैं, थैंक यू व्हाट विल सुप्रीम लीडर डू नो। और ये इस प्रकार था कुछ जो लाइव द्वारा पोस्ट करा गया है, सुप्रीम कोर्ट डिसमिस एसबीआई एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम इन इलेक्ट्रोल बॉन्ड केस। यानी कि अब जो है 12 मार्च का समय दिया गया है, 12 मार्च तक का जो है एसबीआई को इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि चुनावी चंदा कितना आया है किस पार्टी द्वारा। सीजीआई द्वारा पूछा गया है तो सामने से जवाब ऐसा है कि इस चीज को जो इस प्रक्रिया में काफी समय भी लगता है। आप एक आर्टिकल देखिए, अगर हमारा आदेश लागू नहीं किया गया तो अवमानना का नोटिस जारी करेंगे, फिर कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही के लिए तैयार रहिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह बात कही गई है, यानी कि अब देखते हैं अब जो कब को देते हैं। और तो ये भी कहा गया है कि 15 मार्च तक का जो है इसको साइट पर भी डाला जाएगा, 12 मार्च को उनको बताया जाएगा, साइट पर कुछ दिनों बाद डाला जाएगा। हालांकि हम सभी को पता चल रहा था उस समय कि किस पार्टी के पास कितना चंदे का जो एक तरीके से अंदाजा था, किसी को क्लियर नहीं था कि कितना मिला है। हालांकि ये तो आने के बाद में ही क्लियर होगा। इस पूरे मामले पर अपनी हमारे साथ कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। और थैंक्स और ज्वाइन बटन से आप चैनल की आर्थिक तौर पर मदद कर सकते हैं, सो प्लीज कीजिए।